अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, फ्रेंड रंगमेल की नेक्स्ट मेगा एपिसोड का प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि रई धाजरा पर जाकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि माँ पारा जिंदा है, ये जानते हुए भी आप उसकी बरसी करवाने के ड्रामे कर रही थी। इतने बड़े बड़े झूठ बोलती हैं आप, बताएं क्यों बोला आपने इतना बड़ा झूठ। जवाब में हाजरा भी रईद को बड़े ही डिटाई भरे अंदाज में जवाब देती है, क्योंकि सब उसकी मौत से खुश और मुतमइन थे। रईद को करारा जवाब देने के बाद हाजरा उसकी बोलती बंद करवा देती है और सीधा माँ पारा के घर पहुँच जाती है और उसे कहती है, आखिर तुमने सुहेल को क्या लालच दी है जो आप जागती आंखों से भी तुम्हारे ही ख्वाब देख रहा है। माँ पारा भी हाजरा को जवाब देते हुए कहती है, अफसोस आपने उसकी आंखों में मेरे लिए ख्वाब देख लिए, लेकिन उनके चेहरे पर पड़े हुए मेरी उंगलियों के निशान नहीं देखे। हाजरा हैरत भरे अंदाज से पूछती है, मतलब निशान? माँ पारा कहती है, जी हाँ, थप्पड़ के निशान, थप्पड़ मारा है आपके शौहर के मुंह पर मैंने, उसकी इन नीच और गिरी हरकतों पर। दूसरी तरफ सलार माँ पारा को फोन करता है कि फसल बिल्डर्स के साथ तुमने दुश्मनी बना ली है और जो कुछ तुम उनके साथ कर चुकी हो, आप मेरा नहीं ख्याल वो खामोश रहेंगे, बहुत जल्द वो कुछ ना कुछ करेंगे तुम्हारे साथ, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। माँ पारा अपनी ओवर कॉन्फिडेंसी में गुम हो सलार को जवाब देती है कि तुम मुझे डरा रहे हो। सलार कहता है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें मोहतात रहने का कह रहा हूँ और मैं जब तक इस्लामाबाद से वापस नहीं आ जाता तो मोहतात रहना, किसी से मजीद दुश्मनी मत बनाना। आप देखेंगे कि सलार का शक बिल्कुल ठीक साबित होता है जब फजल बिल्डर्स के मौजूद लोग माँ पारा के दफ्तर में उसके कमरे के अंदर बड़ी रकम रिश्वत की रखवा देते हैं और इल्जाम माँ पारा पे लग जाता है कि उसने रिश्वत ली है और उसी वक्त पुलिस का छापा भी डलवा देते हैं। एक मिनट में माँ पारा साजिश का हिस्सा बन जाती है, हालांकि वो ये कह रही होती है कि मैं क्यों लेने लगी रिश्वत, मगर पुलिस माँ पारा को अरेस्ट कर लेती है और इस सब के पीछे सुहेल ही है, वही माँ पारा को इस सब में फंसाता है ताकि माँ पारा से बदला ले सके और वैसे भी उसे धमकी दे चुका होता है कि बहुत जल्द वो इसे इस नौकरी जिस पर वो अकड़ती है वो उससे बाहर निकलवा देगा। दूसरी तरफ सुहेल बड़ी ही चलाकी से रईस से कहता है, तुमने देखा नहीं मॉम कितनी अपसेट है, कल से कितनी परेशान है, अब तुम्हें और डैड को फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद हैंडल करूंगा इस मामले को। पर सुहेल माँ पारा को रिश्वत लेने के इल्जाम में फंसा देता है और माँ पारा बेचारी जेल में चली जाती है और ये सोच लेता है सुहेल कि अब वो मदद के लिए इसी को पुकारेगी, मगर ऐसा नहीं होगा। अब सलार ही है जो माँ पारा को इस मुश्किल से बाहर निकालेगा, मगर उससे पहले सुहेल जरूर जेल जाएगा माँ पारा के पास मिलने के लिए और उसे यही कहेगा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, लिहाजा अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ। माँ पारा सुहेल की बात ये सोचकर मान लेगी कि वो सुहेल की हकीकत बहुत जल्द सबके सामने लेकर आएगी और दूसरी तरफ रईद भी अब सुहेल की हकीकत बहुत जल्द जान जाएगा कि जिस भाई को वो इतना नेक और पारसा समझता है, दर हकीकत वो कितना बड़ा शैतान है। शायद रईद को उसके बाद अपने किए पर पछतावा हो जो कुछ उसने माँ पारा के साथ किया। मजीद आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी अगली वीडियो को जरूर देखें।